वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनाएंगे जो शायद जो भी लॉरेल का शैम्पू लेने का प्लान कर रहा है या वो कन्फ्यूज्ड है हमें कौन सा लॉरेल का शैम्पू बेटर रहेगा, उसके लिए हेल्पफुल होगी वीडियो। आप देख सकते हैं सारी रेंज आपके सामने लगी हुई है, एक एक रेंज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कौन सी रेंज आपके हेयर्स के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। एक चीज़ का जो आपको खास ध्यान रखना है, आप कोई भी रेंज लें, जैसे आप एब्सोल्यूट रिपेयर ले रहे हैं तो उसी का हेयर मास्क लें, तभी जो पर्पस ब्रांड ने सेट किया है कि जैसे रिपेयर का शैम्पू है तो वो प्रॉपर वर्क कर पाएगा। अगर आप कोई भी दो रेंज मिक्स करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं देगा, फायदा पूरा देगा, बट ये है वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा जो ब्रांड ने सेट किया है या जो ब्रांड ने इंटेंट किया है, जो फोकस किया है हेयर प्रॉब्लम, तो वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो आप जब भी अपना शैम्पू लें उसी का सेम मास्क लें फॉर बेस्ट रिजल्ट। आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे एक एक शैम्पू के बारे में, एक एक मास्क के बारे में, और आपको बताएंगे कौन सा हेयर केयर का मास्क आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लॉरेल की सबसे बेस्ट रेंज के साथ, जो कि है लॉरेल एक्सटेंसो। ऐसा नहीं है बेस्ट का ये मतलब कि बाकी रेंज हल्की हो गई, बट ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज लॉरेल एक ऐसा ब्रांड है जिसका माइंड सेट है जब हमने स्ट्रेटनिंग कराई है, रिबॉन्डिंग कराई है, तो हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉरेल एक्सटेंसो की। एक्सटेंसो में दो रेंज आती है, एक आती है एक्सटेंसो ब्लू और एक आती है एक्सटेंसो गोल्ड। ये जो दोनों रेंज है ये स्ट्रेटन हेयर्स के लिए होती है। दोनों में एक डिफरेंस होता है, ये सल्फेट होता है इसके अंदर और इसके अंदर सल्फेट नहीं होता। ये आपका चलता है रिबॉन्डिंग में, स्मूथनिंग में। ये चल जाता है ऑल हेयर ट्रीटमेंट में, चाहे रिबॉन्डिंग हो, केराटिन हो, स्मूथनिंग हो, बोटॉक्स हो या कोई भी ट्रीटमेंट हो। इसके अंदर सल्फेट और पैराबिन नहीं होता तो ये कोई भी ट्रीटमेंट जल्दी निकलने नहीं देता। इनके अंदर प्रो केराटिन और इनसेल टेक्नोलॉजी होती है जो कि एंटी ड्राइनेस टेक्नोलॉजी होती है और आपके बालों में बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आने देती। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिस अनलिमिटेड रेंज के बारे में। अगर आपके हेयर्स थोड़े अनमैनेजेबल हैं, फ्रिजीनेस बहुत ज़्यादा है, जैसे उड़े उड़े बाल होते हैं कईयों के, जैसे कि आप कुछ भी लगा लेते हैं, सीरम भी लगा लेते हैं, फिर भी बाल सेटल डाउन नहीं हो पाते, तो ये रेंज स्पेशली आपके लिए है। ये रेंज फ्रिज कंट्रोल रेंज है, ये अप टू 96 आवर्स फ्रिज कंट्रोल करती है और जो वो उड़े उड़े बाले वाले लुक होती है ये उसको कंट्रोल करती है। अगर आपके बालों की वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये रेंज स्पेशली आपके लिए है, ये आपको स्मूदर, शाइनियर और मैनेजेबल बाल देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर विटामिनो रेंज के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है ये बालों में कलर को प्रोटेक्ट करेगी। ये आपके बालों में जैसे आपने कोई ग्लोबल कलर करा रखा है या नॉर्मल हेयर कलर भी करा रखा है तो कोई भी शैम्पू हम करते हैं तो कलर बहुत जल्दी निकल जाता है। उससे होता क्या है, शैम्पू जितना भी अच्छा हो आपको कलर बहुत जल्दी करना पड़ पाता है। ये जो रेंज है ये आपके बालों में कलर प्रोटेक्ट करेगी और साथ साथ आपके बालों को स्मूदर भी बनाएगी। ये कलर और केयर का बहुत ही डेडली कॉम्बो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉरेल की सबसे बेटर रिपेयर रेंज की, जो कि है एब्सोल्यूट रिपेयर रेंज। इसके अंदर लिपिडियम होता है जो कि एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि डैमेज रिपेयर करती है। आपके बालों में जितना भी डैमेज हो, ड्राइनेस है, स्प्लिटनेस है, फ्रिजीनेस है, हेयर फॉल है, ये हर उस चीज़ पे काम करेगी। बेसिकली ऑल प्रॉब्लम्स वन सोल्यूशन। आप इसी का शैम्पू, मास्क और सीरम ले, आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट हेयर केयर रेंज की जो हम बात करेंगे वो है लॉरेल का इन्फोर्सर। इसके अंदर होता है विटामिन B6 और बायोटिन, जो बेसिकली एंटी ब्रेकेज प्रॉपर्टीज के साथ होता है। अगर आपके बाल बहुत ही प्रोन टू फॉल हैं, बहुत ही डेलिकेट हैं, बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत ही फ्रेजाइल हैं, तो ये हेयर केयर रेंज स्पेशली आपके लिए है। आपके बाल बहुत डीटैंगल हो जाते हैं, उस वजह से भी टूट जाते हैं, तो डीटैंगल भी आपका कंट्रोल करेगा और हेयर फॉल भी कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉरेल मिथिक ऑयल की। ये एक आर्गन ऑयल बेस्ड रेंज है। आपके बालों में एक्सट्रीम ड्राइनेस है, बाल मतलब कुछ भी लगा लो इतने रूखे, इतने ड्राई लगते हैं, तो ये रेंज स्पेशली आपके लिए है। इसमें एक मिथिक ऑयल शैम्पू आता है, एक मास्क आता है और एक इसका ऑयल भी आता है। आप प्रेफर करें पूरा रेंज में लें तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, ड्राइनेस फर्स्ट यूज में आपकी ये दूर करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉरेल डेंसिटी एडवांस की। पहले आपको ये बता दें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दो तरह की हेयर प्रॉब्लम्स होती है, एक होती है आपकी हेयर्स बहुत डेलिकेट है, टूट जाते हैं, बट वॉल्यूम फिर भी है, तब आपको लेना चाहिए लॉरेल इन्फोर्सर। डेंसिटी एडवांस तब आपके लिए जब आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत पतले हैं और टूटते फिर भी हैं, तो ये वॉल्यूम बढ़ाएगा, डेंसिफाई करेगा, आपके हेयर में एक एनहेंस लुक देगा जो कि आपको ज़रूरत है, और विद रेगुलर यूज वॉल्यूम भी बढ़ाएगा। लास्टली हम बात करते हैं लॉरेल के इंस्टेंट क्लियर शैम्पू की। डैंड्रफ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, तो विंटर क्या समर क्या 12 महीने रहती है डैंड्रफ। इस रेंज के अंदर जिंक होता है, ये आपके बालों में फर्स्ट यूज में जो फ्लेकीनेस होती है उसको दूर करता है, इचिंग को दूर करता है और आपको एक नरिश्ड बाल देता है, डैंड्रफ फ्री बाल देता है और साथ साथ एक्सेस ऑयल भी हटाता है, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है जिन हेयर्स में डैंड्रफ होती है, ऑयल भी ज़्यादा आता है, तो डैंड्रफ भी हटाएगा और एक्सेस ऑयल भी हटाएगा।
ये तो हो गई हमारी एक शॉर्ट सी वीडियो जिसमें हमने हर हेयर केयर रेंज के बारे में डिस्कस करा और आपको बताया कौन सी हेयर केयर रेंज आपके लिए है। हमने हर हेयर केयर रेंज के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो रेंज आपको लगे आपके हेयर के अकॉर्डिंग है आप उसकी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं और बेटर जान सकते हैं अपनी फेवरेट हेयर केयर रेंज के बारे में। जो भी रेंज आप ऑर्डर करना चाहें हमारे पास सारी रेंज अवेलेबल रहती है और हम ऑल ओवर इंडिया फ्री होम डिलीवरी करते हैं। अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स मिल जाएगी फॉर ऑर्डर्स और एनी क्वेरी। अगर हमारा स्टोर विजिट करना चाहें तो गूगल मैप्स का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको इतनी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो जरूर लाइक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।